नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं इंग्लिश 24। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आज साफ तौर पर कहा कि बिहार में अपराध का राज है। हॉस्पिटल में भाजपा के नेता वाले रिवॉल्वर लहराते हैं, क्या सरकार अंधा हो गई है? वहीं के पाठक को लेकर कहा कि उनकी अफसरशाही चल रही है। पहले आइए सुनते हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी क्या कुछ कह रही हैं। के पाठक के पक्ष में है मैडम, आप के पाठक के पक्ष में नहीं है मैडम। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी के 4 विधायक टूट गए, कांग्रेस के 2 विधायक कैसे बचे? सभी लोग है जो भाग रहा है, 10 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, 20 करोड़ रुपया लेकर भाग रहा है, पैसा पर बिता गया है। उसका शर्म आइए से शर्म आना चाहिए, इस्तीफा करके जाना चाहिए उधर। जाने ही है तो इस्तीफा कर दो और विधायक से चले जाओ। बेसर्मी है, समझा, जाने वाला बेसर्मी है, लेने वाला भी बेसर्मी है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, इसी वजह से जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के पास कोई नीति नहीं है, कोई नीति है तो जीत चाहे कहाँ से? नीति नहीं है, टिकट लिए जीत चाहे कहाँ से आएगी? बेसर्मी है, इस्तीफा करो। मैडम इधर देखो, कल स्टेटमेंट दे दिया कि सब है, जितना हम लोग बनाए हैं, सब को ऐसा ही धरता है। आई बीजेपी वाला कहता है कुछ नहीं करता, तो लेकर आ गया विधायकों के, दलित हो पिछड़ा हो सबके तो ले जाता है, गाला ले जाता है, बना के पहले रखे ना। कहाँ कमी रह गई थी चुनाव लड़े? मैम कहाँ कमी रह गई थी? कहीं कमी नहीं है हमारा पार्टी में, हमारा पार्टी अच्छा है। लेकिन 4-4 विधायक चले जाना कितना सही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिकाओ है, बिक रहा है। अरे ये प्रचार ना धीरे हाथ मार कर ले, राज करवाना चाहिए कि इस्तीफा करके जाना चाहिए। आपने साफ तौर पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का राज है। अस्पताल में रिवॉल्वर लहराते हुए भाजपा के नेता घुस जाते हैं और वहां पर रिवॉल्वर लहराते हैं, डॉक्टरों को धमकाते हैं, डराते हैं, क्या सरकार अंधा हो गई है, क्या सरकार को नहीं दिख रही है? वहीं के पाठक को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अफसरशाही है, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं मानी जाती है। इस तरीके उन्होंने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री जी पहले कहते हैं टाइमिंग को लेकर, लेकिन उनके अफसर उनकी बात ही नहीं मानते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, खबर के लिए बने रहिए इंग्लिश 24 पर। मिस योगी मदन के साथ संजय पटना।